मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सलवार की प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखो, ये इस तरह से सलवार है, इसमें मतलब बेल्ट भी लगा दिया और इसमें प्लेटें भी डाल दी, पोंचा भी तैयार कर दिया। अब इसमें नीचे की सिलाई लगानी है, तो देखो कलियां कितनी दूर तक कटी हुई है ये। अब इसमें हम अगर 6 इंच का पोंचा बनाएंगे तो ये इतना कपड़ा वेस्ट जाएगा। ये क्यों वेस्ट जाता है, इसका कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप अपनी सलवार में जो पार्ट निकालते हैं, तो देखो जितने आप पार्ट काट रहे हैं सलवार के, पहले आप पार्ट देख लीजिए। पार्ट हमने सलवार के काट लिए 8 इंच के, 8 मतलब डबल में 16 इंच के। तो हमें जो पोंचा बनाना है वो बनाना है 6 इंच का। ये देखो 6 इंच का पोंचा हमें तैयार करना है। तो यहां पे निशान लगाएंगे। कली काटने से पहले की बात बता रही हूं मैं आपको, जब हम पार्ट काटते हैं उस टाइम। तो 6 इंच का हमें पोंचा बनाना है और इससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं सिलाई मार्जिन। 6 इंच का पोंचा यहां से लेने के बाद देखना है कि हमें पोंचा कितना बनाना है, 4 इंच का, 3 इंच का, जितना भी आपको बनाना है। जैसे कि हमने ये 4 इंच का पोंचा बना लिया, तो यहां से हमें 7 इंच पे सिलाई लेनी है। ये देखो यहाँ पे ये 7 इंच पे सिलाई लेनी है ऐसे। इसके बाद 1 इंच का जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये यहाँ पे लगा लीजिए आप। और यहां से यहां से कटिंग हो जाएगा पार्ट, तो पार्ट की ये जो चौड़ाई है यहां तक ही रहेगी। तो कली हमें यहां तक ही काटनी है। अब देखो इसमें कली कितनी लंबी कटी हुई है और यहां से कितनी चौड़ाई में कटी हुई है। तो ये इस तरह से आपको कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, आपको कली यहां से कटिंग स्टार्ट करना है। यहां से नापेंगे कितनी आपको कली चाहिए। जैसे कि देखो इसमें हमें कंप्लीट 28 इंच की कली चाहिए थी, लेकिन इसमें कटी हुई है कितनी लंबी कटी हुई है, ये देखो कितना कपड़ा वेस्ट होता है। ये देखो 5 साढ़े 4 इंच लंबी कली कटी हुई है और इसकी चौड़ाई में। तो अब देखो ये कपड़ा कितना वेस्ट जा रहा है। यहां से काटना है हमें, यहां से सिलाई लगानी है तो यहां से काटना है। ये अंदर इतना सारा मार्जिन है, तो इतना मार्जिन हमें नहीं देना होता। अब इसको यहां से काटना है। देखो इसकी शेप भी सुंदर आएगी यहां से, और ये जो निशान हम काट रहे हैं ये आसन से मिला देंगे ऐसे तिरछा करके ऐसे। अब मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ कितना कपड़ा वेस्ट हुआ है इसमें। अब देखो कितना कपड़ा वेस्ट हुआ है। इस कपड़े को अगर हम कोई और यूज में लेते तो ये बहुत ही काम आ जाता, और अब ये वेस्ट हो गया, कोई भी काम आने वाला नहीं है। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। देखो अब हम यहाँ पे पोंचे की सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई यहां से ऐसे आएगी, तो सलवार को सीधी करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रेस करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम उसी कपड़े में सिलाई लगा देते तो यहां से पोंचे के ऊपर इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो जाता पहनने के बाद। तो अब इसकी शेप बहुत ही सुंदर आएगी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की कली की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।